हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। और ये आज आपका डायरेक्शन का फर्स्ट क्लास है, मतलब दिशा पे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा डायरेक्शंस के क्वेश्चंस करने के लिए। पहले कुछ बातें मैं इनिशियली बता देता हूँ। देखो, रीजनिंग कुछ बातें जो आपको प्रीसेट रखना पड़ेगा आपके दिमाग में। प्रीसेट मतलब होता है, जैसे कि देखो, हम लोग जब अपना मोबाइल ऑन करते हैं चाहे अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो एक ब्लैक स्क्रीन आता है जिसको हम बोलते हैं बायोस सेटिंग। मतलब कुछ चीज़ उसमें ऑलरेडी फीड होता है, जैसे ही आप ऑन करोगे उसे वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। उसी तरीके से मैं कुछ चीज़ें आपके दिमाग में फिट करूँगा और आपको उसी तरीके से उस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब ड्रॉ करके किसी भी क्वेश्चंस को नहीं करना पड़ेगा। हार्डली आप 2 से 3 लाइन में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। माइंड एकदम क्लीन रखना है अभी, ठीक है। जिस तरीके से मैं पहली चीज़ आज आप समझाऊंगा उसको बस समझ लेना है, 2-3 बातें हैं, उसके बाद पूरा का पूरा डायरेक्शन आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। देखो, आप इसको नॉर्थ साउथ यहाँ लिखा हुआ है तो आप इसको हिंदी में कर लेना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं नॉर्थ साउथ ही बोल के चलता हूँ। देखो, हमारा बेसिकली जो मेन डायरेक्शन होता है, ठीक है, जो मेन जो दिशा है हमारा वो है नॉर्थ, ठीक है, वो है हमारा साउथ, और ये है हमारा ईस्ट, और ये है हमारा वेस्ट, और सब डायरेक्शन, ठीक है। सब डायरेक्शन मतलब होता है, अगर नॉर्थ है ये, अगर नॉर्थ है हमारा और ये हमारा ईस्ट है, तो इसके बीच वाला जो होगा ये होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। उसी तरीके से हमारा इसके जो बीच वाला होगा ये होगा हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है। आप याद रखना, हम लोग इसको पहले लेते हैं, मतलब इस पार्ट को पहले लेते हैं। जैसे अगर ये बीच का मुझे लेना है, ठीक है, तो पहले मैं ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा नॉर्थ ईस्ट बोलूँगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इस पार्ट को, अगर ये वाला डायरेक्शन मुझे लेना है तो मैं क्या बोलूँगा, साउथ ईस्ट बोलूँगा, ना कि ईस्ट साउथ बोलूँगा, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा, क्या होगा, साउथ ईस्ट। उसी तरीके से अगर मुझे इस डायरेक्शन का नाम बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से इसको नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो है डायरेक्शन जो आपके एकदम, ये जो फिगर है ना आपके दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो, अगर मैं बोलूं आपको, देखो मैं ये फिगर का बात कर रहा हूं, ठीक है, जब सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, सब बाहर की तरफ देख रहे हैं कि क्लॉक वाइज चलना है आपको, ठीक है। क्लॉक वाइज मतलब होता है आपको चलना है राइट डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज, देखो क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज मतलब होता है आपका घड़ी की दिशा में, मतलब आपको राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्लॉक वाइज कैसे चलेगा, इस तरीके से, मतलब घड़ी के, देखो घड़ी इस तरीके से चलता है ना, इस तरीके से घड़ी इस तरीके से चलता है, तो क्लॉक वाइज मतलब होता है आपका राइट डायरेक्शन, ठीक है। मैं ये पहला केस है, ठीक है, जब आपका बाहर की तरफ सब देख रहे हैं, ठीक है, सब बाहर की तरफ देख रहे हैं तो मेनली आपको बाहर की तरफ ही होगा, जब अंदर की तरफ भी आ जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अभी बता दूंगा किस तरीके से करना। तो क्लॉकवाइज होता है मतलब राइट चलना, ठीक है, क्लॉकवाइज। और वही अगर मैं बोलूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको इसके अपोजिट चलना है, मतलब इस तरीके से। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो ये क्या है, आपको लेफ्ट को डिनोट करता है, ठीक है, ये बायो, ये दायों को डिनोट करता है। क्लॉकवाइज मतलब राइट मतलब दायां, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, अभी अब जो मैं ध्यान से आपको समझाने रहा हूँ, आप मान लो नॉर्थ पे हो, मैं फिगर में आपको बोल रहा हूँ कि आप नॉर्थ पे हो, ठीक है, और मैंने बोला कि आपको 90 डिग्री आप घूमो, मतलब 90 डिग्री राइट घूमो, तो आप क्या, अगर आप यहाँ हो, ठीक है, अगर आप इस तरीके से देख रहे हो, अगर मैंने बोला कि 90 डिग्री राइट घूमो तो आप कैसे हो, कैसे मुड़ जाओगे, आप इस तरीके से मुड़ जाओगे, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि आप नॉर्थ में देख रहे हो, यहाँ इस तरीके से नॉर्थ में देख रहे हो, और मैंने बोला कि आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मतलब क्या, आप राइट चलोगे, तो 180 कितना हो जाएगा, आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे, ठीक है, समझ में आया। वही मैं बोलूं कि आप अगर नॉर्थ में अभी देख रहे हो, ठीक है, और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, लेफ्ट आपका राइट क्या है, इधर है, लेफ्ट क्या है, आपका इधर है। तो अगर मैं बोलूं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है, तो घड़ी की दिशा के विपरीत में आपको चलना है, तो आप कहाँ आ जाओगे, डायरेक्टली आप यहाँ आ जाओगे, मतलब साउथ में आ जाओगे, साउथ फेस कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया। फिर से बताऊँ, देखो अगर मैं बोलूँ कि आप नॉर्थ में देख रहे हो, ठीक है, नॉर्थ में देख रहे हो, और मैंने आपको बोला कि आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलो, ठीक है, 45 आप नॉर्थ में देख रहे हो, 45, तो 45 आपको पता है ये टोटल 90 होता है और ये जो होता है आपका 45 होता है, ठीक है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैंने बोला आपके 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलो, तो 45 डिग्री आप कहाँ आ जाओगे, आप यहाँ आ जाओगे क्लॉकवाइज। अगर मैं बोलूँ कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो आप कहाँ आ जाओगे, नॉर्थ वेस्ट में आ जाओगे। अगर क्लॉकवाइज बोलूँ तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलूँ तो नॉर्थ
वेस्ट में आ जाओगे। समझ में आया? आ गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया से कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में चलना, मतलब राइट चलना, राइट के फॉर्म में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको लेफ्ट, आप सिर्फ इतना याद रखो, क्लॉकवाइज मतलब राइट, आपका राइट का दिशा, आप जहाँ हो उसके राइट में चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप जहाँ हो उसके लेफ्ट में चलना है। जैसे कि मैं ईस्ट में हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि 90 डिग्री मुझे क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब क्या, इसका अगर राइट किधर होगा, राइट इधर होगा, क्योंकि मैंने बताया क्लॉकवाइज क्या होता है, हमेशा राइट होता है। या इसी के जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप ईस्ट में देख रहे हो और आप 90 डिग्री क्या चलो, अपने राइट में चलो, तो राइट में चलोगे मतलब क्या, इधर आ जाओगे। तो राइट में चलो या क्लॉकवाइज चलो, दोनों चीज सेम ही होता है। तो मतलब क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है आपका, राइट, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है आपका लेफ्ट, ठीक है, समझ में आया। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की दिशा में, तो कुछ भी आप कहीं भी हो, मान लो कि आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, ठीक है, और मैंने बोला कि आप 90 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है, तो आप कैसे चलोगे, आप क्लॉकवाइज, आप बाहर की तरफ देख लो, आपका राइट क्या है, ये है, लेफ्ट क्या है आपका, ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। 90 डिग्री मैंने बोला तो 45 ये हो गया और 45 ये हो गया, मतलब आप कहाँ आ जाओगे, नॉर्थ, साउथ ईस्ट से आप कहाँ आ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे। तो ये तो फंडा हुआ, सिंपल फंडा हुआ कि आपको क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। ये तब का मैंने बात किया जब सब लोग बाहर देख रहे होंगे। यही अगर मैं थोड़ा सा फिगर चेंज कर दूं, ठीक है, कि देखो ये अभी बाहर देख रहे हैं, तो ये अंदर अगर मैं देख रहा हूँ इस तरीके से, सब लोग देख रहे हैं अंदर की तरफ, तब क्या होगा, आपका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि क्लॉकवाइज पहले क्या होता था, इधर होता था घड़ी के डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज इधर होगा। मतलब आपने जो भी सीखा जस्ट उसको ऑपोजिट कर दीजिएगा, मतलब जब भी वो अंदर देखेगा तो उसका राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे ये फिगर में देखो, ये अगर आप यहाँ हो, ठीक है, बाहर की तरफ देखो, आपका राइट कौन सा है, ये है, लेफ्ट कौन सा है आपका, ये है। वही अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाता है। बस इतना याद रखना है, बस इतना ही याद आपको रखना है। मेनली आपके क्वेश्चंस बाहर पे ही आएंगे, पर अंदर पे भी आ जाएगा, तो कोई बात नहीं है, हम लोग ने चीज़ें समझ ली है। कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ बता दीजिए। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और विद इन ए सेकेंड आप क्वेश्चंस के आंसर देते जाओगे। देखो, जैसा कि मैंने ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि 90 डिग्री चलना है, जैसे कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ होता है आपका 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका 90 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं ये चीज़ बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है आपका 90 होता है, यहाँ से यहाँ कितना होता है 180, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ 180 होता है, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ से यहाँ 45 होता है, फिर से यहाँ ये 45 होता है, टोटल कितना होता है 90 होता है। सिमिलरली फिर यहाँ से यहाँ कितना होता है, अगर इतना बस लूँ तो ये 45 होता है, फिर से यहाँ लेता हूँ तो ये 45, टोटल में ले लेता हूँ तो 180 होता है। इसी तरीके से फिर से यहाँ 180 के बाद फिर से यहाँ मतलब 25 और जोड़ दोगे, ठीक है, या फिर से यहाँ और 25 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो 180 प्लस 90 तो यहाँ तक जो हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से, खैर आपको ये चीज़ आपको पता होगा कि 90 क्या होता है। तो ये एक्चुअली ओवरव्यू था, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको जिस तरीके से मैं आप चीज़ें करवाने वाला हूँ आपको उसी तरीके से ही सोचना है, ठीक है। देखो, पेन नहीं उठाना है, दिमाग चलाना है, ठीक है। इसका मोटिव ही यही था, मैंने इसलिए फिगर ही यही लगाया था कि आपके दिमाग का जो स्क्रू है वो चलाना है, हाथ के स्क्रू को नहीं चलाना है। देखो, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, आप देख लेना। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ मतलब कोई आदमी है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ही टर्न्स 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये दिमाग में आपका, अब ये नहीं कि आप वहां बना रहे हो कि इस तरीके से 45 चला, तो फिर कोई यूज ही नहीं रह जाएगा जो मैं चीज आपको सिखाए हूं। थोड़ा सा पहले तकलीफ होगा, उसके बाद आप विद इन ए सेकेंड मारोगे। देखो, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 45 इन क्लॉकवाइज, ठीक है, 45 क्लॉकवाइज चला, अभी दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ठीक है, 45 क्लॉकवाइज चला। एंड अनोदर 35 इन सेम डायरेक्शन, और 135 क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में चला, मतलब क्लॉकवाइज ही चला। देन 45 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर से पहले तो 45 क्लॉकवाइज चला, फिर से 135 क्लॉकवाइज चला, उसके बाद 45 क्या हुआ, वो एंटी क्लॉकवाइज चला। दिन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो अब वो किस डायरेक्शन में है। अब ध्यान से समझोगे, पहला जो 45 चला था क्लॉकवाइज और उसके बाद 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये तो आपका कट गया, क्योंकि सिंपल है, अभी मैं बताऊंगा कैसे कट गया। आपका बचा क्या, सिर्फ 135 आपका बचा क्या, क्लॉकवाइज। तो 135 कहाँ होगा, आपको पता था, मैंने अभी समझाया था, ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। देखो, यहां से यहां कितना हो गया आपका,
90, ठीक है, और 90 से फिर से यहाँ 45 ऐड करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा ये साउथ, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ साउथ, और ये हो जाएगा यहाँ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या समझाना चाहूँ, होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, देखो, लेकिन करना वैसे, इसलिए मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ ताकि ओवरव्यू आपको समझ में आए कि मैं ओरेली क्यों करना चाह रहा हूँ। देखो, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार बना लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। ठीक है, चलो, ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। देखो पहले क्या बोला है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ कितना होता है 45, क्लॉकवाइज बोला है, ठीक है, नॉर्थ में वो देख रहा तो इधर ही जाएगा क्लॉकवाइज, मैंने अभी समझाया क्लॉकवाइज मतलब राइट, ठीक है, तो 45 वो चला, ठीक है, उसके बाद बोला है डायरेक्शन एंड अनोदर 135, आप डायरेक्टली इसको अगर एड करते हो तो ये 180 आता है टोटल, मतलब अगर तो अगर मतलब ये 45 और अगेन 135 और इसको चलना, 135 मतलब ये 90 यहाँ और आपका 45 यहाँ, तो टोटल ये हो गया आपका 135, ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका टोटल वो इस 45 और 135, मतलब वो जो अब देख रहा होगा साउथ में देख रहा होगा, ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो 135 और ये 40 180, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ तक भी लेके आ जाते, ठीक है। उसके बाद बोला है कि वो 45 फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो यहाँ आ गया, अब तो वो यहाँ देख रहा है, अब इसके बाद क्या करेगा, वो इधर चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था घड़ी की ऑपोजिट में चलेगा, मतलब अपना लेफ्ट में चलेगा, अभी वो अगर बाहर देख रहा है तो राइट किधर है उसका, इधर है, लेफ्ट किधर है उसका, इधर है, ठीक है, तो क्या हुआ, अब क्या चलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो फिर वो इधर चला, ठीक है, वो इधर चला, तो फिर से इधर चला 45, तो वो कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो उसका अभी जो होगा वो यहाँ होगा, तो ये क्या होगा, साउथ और ईस्ट। तो मैंने क्या बोला था आपको कि ये सब नहीं बनाना है, जैसे कि 45 क्लॉकवाइज चला, 135 एंटी क्लॉकवाइज चला, और फिर से 45 क्लॉकवाइज चला, 135 फिर से क्लॉकवाइज चला, और 45 एंटी क्लॉकवाइज चला, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, मतलब राइट डायरेक्शन में उतना 180 चला और 45 एंटी क्लॉकवाइज चला, तो मैं 45 45 पहले ही काट दिया, डायरेक्टली मैंने देखा 135, मेरे दिमाग में कि 135 कहाँ होगा, जस्ट ईस्ट के नीचे होता है, क्योंकि ईस्ट तक होता है आपका 90 और आप 45 ऐड करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, विद इन ए सेकेंड आपको आंसर आना चाहिए था। अब देखो मैं डायरेक्टली आप इस तरीके से नहीं समझाऊंगा, आपको अपना दिमाग लगाना, देखो सबसे पहले बात मैंने क्या समझाया था, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है, ये कि आप क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 45, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है, फिर से अगर मैं 45 करूं तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा, ठीक है, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ 90 हूँ, 90 में अगर और एकदम 45 अगर ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 135, ये दिमाग में होना चाहिए, फिर से 135 में अगर मैं 45 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 180 आ जाएगा, उसी तरीके से इस तरीके से आगे आपको याद रहना चाहिए, बस इतना ही करना है आपको। अब देखो, ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ, अगेन वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है, तो आपको समझ, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वो नॉर्थ में, आप उसको नॉर्थ पे लेके जाओ, ठीक है, ही टर्न्स 270 इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो अब क्या आ गया, 270 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, अभी दिमाग पर जोर नहीं ले रहा है, 275 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 225 इन द सेम डायरेक्शन, तो 270 क्लॉकवाइज चला और अगेन 225 जो है आपका सेम डायरेक्शन में ही चला, मतलब क्लॉकवाइज ही चला, और उसके बाद 450 इन एंटी क्लॉकवाइज चला, ठीक है, तो मैं कैसे माइनस करता हूँ, देखो 200 यहाँ भी है, 200 यहाँ भी है, ठीक है, तो 400 और 450 यहाँ है, तो 400 400 तो ऐसे ही चला गया, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चला, उसके बाद यहाँ से 70 बचा, यहाँ से 25 बचा, 70 80 90, ठीक है, तो 95 यहाँ से बचा, 95 और यहाँ से 50 में माइनस कर दूंगा 95 से, तो बच जाएगा मेरा 45 45, क्या तो मेरा 45 क्लॉकवाइज बचेगा, मतलब क्या होगा मेरा, यही होगा आपका नॉर्थ ईस्ट में इसका आंसर होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, मैंने दिमाग से किया, आप भी उसी तरीके से चीज़ों को अप्रोच करो। अब मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ, देखो जैसे कि मैंने क्या किया, 270 है, ठीक है, ये 225 है, यहाँ आपका 450 है, ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सिंपल है, आपका जो फाइनल जो आएगा ये प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका हो जाएगा 400 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया और यहाँ से 25 और ये 70 है तो 95 आ जाता है, ठीक है, तो 495 आ जाएगा और ये 450 है, तो आपको 45 प्लस में आएगा, प्लस है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
यहाँ है आपका, ठीक है, आप नॉर्थ पे थे, फाइनल आपका बस बचा कितना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ है और आपने 45 45 मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ दिख रहा होगा, तो ये क्या आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट। हो सकता है आपने इस तरीके से पहले नहीं पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो आपने ऐसे बना के ही देखा होगा कि इस तरीके से 45 इधर डालूंगा 45, बट अब यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ, ठीक है, आप क्वेश्चन देखोगे आंसर डायरेक्टली मारोगे, ठीक है, ये तो खैर बेसिक क्वेश्चन है, आप बेस्ट क्वेश्चन में भी विदाउट पेन कर पाओगे। अब देखो जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको लगेगा कि आपने ये पहले क्यों नहीं सोचा, ठीक है, या पहले क्यों नहीं पढ़ा। देखो, रबी ट्रेवल 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड मूव। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि रबी 5 किलोमीटर उत्तर की चलो, आप देख लेना हिंदी में, ठीक है, मैं ऊपर से ही पढ़ देता हूँ इंग्लिश वालों लोग के लिए, रबी ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। अब देखो इसको मैं पहले फिगर से बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आप ओरेली ये कर पाओगे, बस वही चीज़ आपको याद रखना है जो मैंने आपको शुरू में दो तीन चीज़ बातें आपको याद रखा। देखो, रवि ट्रेवल 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, तो 5 किलोमीटर चला कहाँ, नॉर्थ में, ठीक है, मतलब उत्तर में, उसके बाद आपका क्या, अब इसका राइट किधर होगा, मैंने बताया जब बाहर की तरफ देखता है तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो राइट लेफ्ट में कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ सिंपल है ना, आप ये अगर बाहर की तरफ देखते हो तो इसका राइट किधर होगा, मतलब घड़ी की दिशा में होगा, बस इतना याद है, घड़ी की दिशा में इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब घड़ी कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है। खैर राइट लेफ्ट में अगर प्रॉब्लम है तो बताना और अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका राइट चला 3 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद ही अगेन टर्न्स टू हिज, अगर अभी ये इस तरह यहाँ देख रहा है उसके बाद क्या बोला, फिर से राइट चला, तो इसका राइट अभी कहाँ होगा, डेफिनेटली बाहर की तरफ देख रहा है तो फिर घड़ी के डायरेक्शन में, क्योंकि घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, तो 5 हो गया इसका, ठीक है, समझ में आया, 5 किलोमीटर चला फॉरवर्ड, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी वो कौन से डायरेक्शन में है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका, यहाँ था, अभी वो कौन सा डायरेक्शन में, तो ये है आपका ईस्ट पे, और पूछता कितना किलोमीटर है फ्रॉम अपना स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितना पे, 3 किलोमीटर पे, तो ये समझ में आया, तो ये तो आप बनाओगे। अब देखो इसको बस मैं एक में बनाने वाला हूँ, अब देखो आगे देखो, 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 किलोमीटर वो नॉर्थ चला, अब मेरे ये दिमाग में क्यों नॉर्थ पे है अभी, ठीक है, बस इतना याद हो, आप 5 किलोमीटर नॉर्थ ऐसे लिख भी लिए तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि अब वो नॉर्थ पे है, ठीक है, अब नॉर्थ पे 5 किलोमीटर, देखो आपको इसी तरीके से ही करना है, फिगर बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ही नहीं है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर टू, देन ही टर्न्स टू हिट, अब नॉर्थ में है, राइट में जाएगा, राइट में मतलब क्या आ जाएगा, सिंपल है, ईस्ट में जाएगा, तो कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर ईस्ट चला, ठीक है, ही अगेंस्ट टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो तो ये क्या बोला, ही अगेंस्ट टर्न्स टू हियर, ईस्ट में है आप, ठीक है, ईस्ट में है और फिर से वो राइट घुमा, अब ईस्ट में था, अब दिमाग में आपको चलना चाहिए ईस्ट में है वो, और राइट घूमे तो कहाँ जाएगा, वो साउथ में जाएगा, तो 5 किलोमीटर फिर से साउथ में चला, ठीक है, समझ में आया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज हिज फ्रॉम स्टार्टिंग, अब वो कौन से डायरेक्शन है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ ध्यान से सुनोगे, ये नॉर्थ और साउथ को आप काट देना, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ क्या होता है, अपोजिट में होता है, ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, काट दोगे, ठीक है, तो नॉर्थ एंड, अभी फिगर नहीं देखोगे, नॉर्थ एंड साउथ आप काट दोगे, बचेगा वही आपका आंसर होगा, तो आपको तो यहाँ सिर्फ पता चल रहा था कि वो ईस्ट में जा रहा है, आपको एग्जैक्टली आंसर पता चल जाएगा कि वो ईस्ट में है और कितने दूर पे है, तो क्या आप 3 किलोमीटर और ईस्ट में है, तो ये है मैजिक, अगर आप सही चीज़ और सही ढंग से पढ़ते हो तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा ईस्ट इसका आंसर। और आगे एक दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, देखो देखो इसके इसमें एक और क्वेश्चन वो जोड़ सकता है, ठीक है, कि वो ईस्ट में है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन तो यहाँ तो सिंपल पूछा कि वो कितने दूर पे है, वो ये भी पूछ सकता है कि उसको अपना इनिशियल पॉइंट, मतलब वो जहाँ से शुरू किया था उस बिंदु पे आने के लिए उसको कौन सा डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो मान लो जैसे कि हमारा आंसर मिला कि अभी ईस्ट की तरफ देख रहा है, अगर उसे अपना ओरिजिनल पॉइंट पे आना है तो किस कौन से डायरेक्शन में उसको चलना पड़ेगा, तो वो यहाँ था, उसको किधर चलना पड़ेगा, वेस्ट की तरफ चलना पड़ेगा, तो ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, पूछ क्या, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है, समझ में आया। चलो ये देखो, अब विदाउट हम लोग फिगर बनाएंगे, देखो रवि ट्रेवल 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब रवि है वो 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, तो 5 किलोमीटर उत्तर मैंने लिख दिया, अब मुझे पता है उत्तर में, अब उत्तर मेरा दिमाग में है, ठीक है, वो कहाँ है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। देखो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मान लो 5 6 7 डायरेक्शन दे दे, तब अगर आप फिगर बनाने जाओगे ना तो फिर बनाते रहोगे एग्जाम में अंडर प्रेशर में, ठीक है, तो जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ चला, ठीक है, टू हिज 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो राइट अब नॉर्थ में, ठीक है, अब ये पता होना चाहिए कि वो नॉर्थ में है, तो मैंने जैसे ही राइट में बोला मतलब कहाँ जाएगा, वो ईस्ट में का ईस्ट में जाएगा, सिंपल सी बात है, तो मैंने लिख दिया 3 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, ही अगेंस्ट टर्न्स टू हिज
राइट, अब वो ईस्ट में है, मेरे दिमाग में होना चाहिए कि वो ईस्ट में है, तो आप क्या 5 किलोमीटर, ही अगेंस्ट टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 5 किलोमीटर, तो ईस्ट में है और राइट अगर चलेगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो, ठीक है। तो कहाँ आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ इधर कट जाएगा और आपका अगेन यहाँ जो बताएगा कि नाउ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये है आपका 3 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ आपको ये क्वेश्चन में ये बस चेंज करके वो देगा कि अब उसको, ठीक है, अपना स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँचने के लिए कौन से डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो उसको अपोजिट चलना पड़ेगा, और वो कौन से डायरेक्शन में चलेगा, वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा, और अभी वो कहाँ था, तो ईस्ट में था, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, रामू वॉक 6 किलोमीटर इन दी वेस्ट। देखो आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, आज ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, बस आप क्या करना, देखो जो मैंने आपको सिखाया है ना शुरू वाला, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको आप बना बना के 2-3 बार रखो दिमाग में, और मैं बोलूं कि अगर वो नॉर्थ देख रहा है, ठीक है, और उसे 135 डिग्री चलना पड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको पता होना चाहिए कि 135 मतलब होता है यहाँ से यहाँ 90, और 90 से फिर से प्लस 45 करेंगे तो ये 135 यहाँ आ जाएगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 90 प्लस अगर मैं 45 करता तो 135 होता है, कुछ भी इस तरीके से ऐड करने बोल दो कि 135 प्लस 45 करूँ तो इतना होता है, ये आपके टंग पे होना चाहिए, तो ये एक आप प्रिपेयर कर लोगे, प्लस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ उसका सब डायरेक्शन, अगर मैं अभी ईस्ट में हूँ, ठीक है, अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलूँ, ईस्ट तो यहाँ क्लॉकवाइज चलूँ तो कहाँ आऊँगा, इतना होगा, ये सब आप खुद मतलब एज्यूम करो कि मैं अभी ईस्ट में हूँ, 75 डिग्री मुझे क्लॉकवाइज चलना है, कुछ कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, और इसको आप एकदम प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, जो फर्स्ट फिगर मैंने बताया। देखो रामू वॉक 6 किलोमीटर इन द वेस्ट, ठीक है, तो 6 किलोमीटर क्या हुआ, वेस्ट में, अब मुझे दिमाग में कि वेस्ट में अभी, ठीक है, रामू वॉक 6 किलोमीटर इन द वेस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब राइट में जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, सिंपल नॉर्थ में जाएगा वो, तो नॉर्थ में जाएगा कितना चला, 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर मैंने नॉर्थ लिख दिया, ठीक है, अब वो नॉर्थ में, ठीक है, 8 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है, मूव्स 8 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब देखो नॉर्थ में है, अब वो लेफ्ट बोला है मतलब कहाँ जाएगा, वेस्ट में जाएगा, 9 किलोमीटर वेस्ट चला, तो 9 किलोमीटर वेस्ट चला, एंड देन टर्न्स टू, अब मुझे बस वेस्ट का मतलब है, मुझे वेस्ट में, अब वेस्ट में क्या बोला है, वेस्ट में देख रहा है, उसके बाद देन टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव टू, वेस्ट में था, ठीक है, और फिर से राइट जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब नॉर्थ में जाएगा, कितना चला फिर से वो, 12 किलोमीटर चला, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके से ये आ गया, तो ये आ गया नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, तो अगर आप इसको फिगर बनाओगे, ठीक है, तो नॉर्थ आपका यहाँ है, वेस्ट आपका यहाँ है, ठीक है, और वो नॉर्थ वेस्ट में मतलब क्या है, वो यहाँ है कहीं, ठीक है, यहाँ है, तो मुझे ये डायरेक्शन अभी मुझे मुझे पूछ रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो मतलब वो कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये तो मुझे पता चल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, तो ये तो खैर डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन एक ही है, ठीक है, तो डायरेक्टली मार लेंगे, बट एग्जैक्टली 25 किलोमीटर कैसे, अब मैं बताता हूँ कि 25 किलोमीटर कैसे है, देखो तो अगर आप इसको करते हो तो 9 और 6 ये आ गया आपका 15 वेस्ट में चला, ठीक है, और उसके बाद ये देखो 15 वेस्ट में चला और 20 जो है आपका नॉर्थ में चला, ठीक है, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, इसको फिगर से आप यहाँ देख लो, ठीक है, तो पहले देखो ये 6 किलोमीटर इस तरीके से चला, फिर से यहाँ चला, फिर से यहाँ चला, फिर से यहाँ चला, ठीक है, इसे समझ में आया, तो आप अब ये ध्यान से समझोगे कि इसमें आपका पाइथागोरस लगेगा और आपको पाइथागोरस इतना बनाने की जरूरत है नहीं, विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाए, पहले क्या बात, तो वो क्या था कि 6 किलोमीटर वेस्ट चला, तो 6 किलोमीटर मैंने वेस्ट ड्रॉ कर दिया, उसके बाद बोला कि वो 8 किलोमीटर नॉर्थ चला, तो 8 किलोमीटर नॉर्थ चला, फिर ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ए टू जेड, तो 8 किलोमीटर नॉर्थ चला, उसके बाद वो 9 किलोमीटर फिर से क्या चला, वो वेस्ट चला, फिर से 9 किलोमीटर वो वेस्ट चला, ठीक है, उसके बाद फिर से वो बोला हुआ नहीं था कि वो 9 किलोमीटर वेस्ट चला, वो राइट लेफ्ट बताया था, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने ये चीज़ यहाँ में निकाला हुआ है, ठीक है, वही उसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद बोला कि फिर से 12 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ मतलब राइट की तरफ चला, तो यहाँ गया, तो मतलब उसका अभी यहाँ है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि क्या वो नॉर्थ वेस्ट में, ये तो मुझे पता चल गया, बट एग्जैक्टली मुझे पता चले कि वो कितना दूर पे है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो
ये क्या करूँगा, मैं इसको फर्दर नीचे थोड़ा ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है, और ये मेरा कुछ इस तरीके से ये मिल गया, ठीक है। तो ये जो मेरा यहाँ 9 आ गया, ये मेरा 6 आ गया, ठीक है, और ये मेरा 12 आ गया, और ये मेरा 8, यहाँ वाला 8 मैंने यहाँ लिख दिया। तो अगर ये देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक राइट एंगल ट्रेंगल आ जाएगा, ठीक है। और मुझे किसका डिस्टेंस निकालना है, मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मतलब हाइपोटेनस में निकालूंगा तो डायरेक्टली मेरा आ जाएगा। हाइपोटेनस कैसे निकालूंगा, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, तो दोनों को स्क्वायर किया, ये आ गया मेरा 25 आंसर, ठीक है। तो क्या आपको ये फिगर बना जरूरी था, नहीं बनाना जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर मुझे पाइथागोरस कब लगाना है, तो देखो एक तो मैंने अभी तक आपको जितना भी समझाया कि मान लो 15 डिग्री नॉर्थ में आता है, ठीक है, और आपका 16 डिग्री साउथ में आता है, ठीक है, ये टोटल करने के बाद आपका कोई भी एक क्वेश्चन है उसमें फाइनल आपका ये आ रहा है। तो इसमें ये नॉर्थ में, ये साउथ में, ये दोनों क्या है, ये डायरेक्टली अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट मतलब ये 16 साउथ और ये 15 नॉर्थ, तो ये दोनों अपोजिट है, इसमें कभी पाइथागोरस लगेगा नहीं, ये डायरेक्टली कट जाएंगे। 15 नॉर्थ 16 साउथ, तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर साउथ इसका आंसर है। बट यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको, 15 वेस्ट आया है और ये नॉर्थ आया है, मतलब आपका एक यहाँ है तो दूसरा आपका यहाँ है, इसमें ये कट ही नहीं सकता है। जब भी आपका इस डायरेक्शन है, मतलब वो अपोजिट नहीं हो, जब वो उल्टे में नहीं हो, ठीक है, क्योंकि वेस्ट देखो, वेस्ट आपका यहाँ आता है, नॉर्थ आपका यहाँ आता है, क्या अपोजिट है, नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या कर देना, सम करके, जैसे कि 16 वेस्ट आया और 9 यहाँ वेस्ट आया और 8 यहाँ नॉर्थ आया, 12 यहाँ नॉर्थ आया, तो नॉर्थ नॉर्थ को मैंने प्लस किया, वेस्ट वेस्ट को प्लस किया, और डायरेक्टली मैं पाइथागोरस निकाल दूंगा। तो 15 का स्क्वायर होता है मेरा 225 और 20 का स्क्वायर होता है मेरा 400, तो ये हो जाएगा 625। 625 का रूट करूंगा तो 15 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 25 आंसर आएगा ना, 15 का तो 225 होता है ना, तो 25 का 625 होता है, तो आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। तो आपने आज ही कुछ नया चीज सीखा, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, और अच्छे तरीके से फिर हर एक क्वेश्चन को आपने खुद से ही करना है। और जो मैंने आपको डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपके दिमाग में होना चाहिए वो है आपका क्या, ये वाला चीज आपके दिमाग में, पूरा A to Z आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वेस्ट में है, नॉर्थ में है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी चला, आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। तो आगे का जो लेसन्स आएंगे उसमें हम और बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, पर उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ अच्छे से रिवाइज करके आओगे। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ऐसे अगर आपने इस तरीके से पहले पढ़ा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हाँ सर मैंने इस तरीके से भी पहले पढ़ रखा है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो लोग लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, बाकी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बिंदास होकर पढ़ते रहिए। देयर इज नो इशू, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट फील फ्री टू मैसेज मी, ओके। और बाकी जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं, इनफ है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी बुक्स का कंपेयर कोई नहीं कर सकता, अच्छे बुक्स आपको पढ़ते रहना है। सो स्टडी हार्ड।